400 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट थ्रस्ट एंड प्रेशर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम 400 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सर्टेन सरफेस विच हैव द एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड आउट थ्रस्ट एज वेल एज प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट, you know very well that the thrust is perpendicular force which is acting on any surface. तो जब thrust केवल एक force है जो perpendicular act करता है किसी surface के ऊपर, तो force तो यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, मतलब यही thrust हो गया। तो thrust force होता है, इसलिए जो thrust की value होगी यहाँ पे आपको calculate नहीं करना है, ये आपको already दिया गया है। तो thrust तो यहाँ पे 400 न्यूटन हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रेशर पे। प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, और जहां पे फोर्स आपको हमेशा न्यूटन में लिखना है और एरिया आपको लिखना है मीटर स्क्वायर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एरिया आपको दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको पहले आपको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो कैसे इसको चेंज करते हैं देख लीजिए। अब आप जानते हो कि एक मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/100 मीटर। यानी जहां पे सेंटीमीटर लिखा गया होगा वहां पे आपको 1/100 मीटर लिखना है, और अगर इसका स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायर करोगे, क्यूब होगा तो क्यूब करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1/100 मीटर का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/1234, इतना जीरो साथ में मीटर स्क्वायर। यानी कि जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा उसकी जगह पे इतना मीटर स्क्वायर आपको लिखना है, और अगर इसके साथ कोई नंबर रहेगा तो नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा ही, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप यूज कर लो। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे लिखोगे आप 400 न्यूटन, नीचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 नंबर तो 25 ही रहेगा, इसमें नो चेंज। साथ में जहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह आपको लिखना है 1/4×0m². अब इसी को सॉल्व करना है, तो इस 10,000 को आपको भेजना है ऊपर, तो लिखोगे 400 × 4×0 और डिवाइडेड बाय 25, 4×100 होता है, ये 400 हो जाएगा, 400 × 400 कर दोगे तो 16, 4×0 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1.6×10^5 पास्कल, क्योंकि पास्कल ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का। ये प्रेशर हो गया और ये हो गया थ्रस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।